बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही व सल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ अपनी मम्मी के स्टाइल में आपको दाल गोश्त बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत टेस्टफुल दाल गोश्त रेडी होता है। आपने प्लीज़ काइंडली वीडियो को फुल वॉच करना है। बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स में और झटपट ये दाल गोश्त हमारा रेडी हो जाता है। दाल गोश्त बनाने के लिए बहुत सी हलीम आपने खाई होंगी, लेकिन इस तरह से मेरी रेसिपी से दाल गोश्त भी बना के आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिमार्क्स आपको मिलेंगे। दाल गोश्त बनाने के लिए एक पाव चने की दाल लेके इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए डिप करके रख दिया हुआ है पानी में। आधा किलो मटन लिया है, मटन की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आधा किलो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। दो मीडियम साइज़ के टमाटर लेके उनको इस तरह से उनका पेस्ट रेडी कर लिया है। हाफ टी स्पून हल्दी लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट लिया है। ये आपके पास ना हो तो आप 4 से 5 हरी मिर्चें लेके उसका पेस्ट रेडी कर लें। 4 टेबलस्पून इसमें फ्रेश दही जाएगा। 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, 1 लहसुन का बंच लेके उसको इस तरह से छील लिया है और छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया। अब सबसे पहले प्रेशर में 1 ग्लास पानी ऐड करके मटन ऐड करूँगी पानी में, साथ ही इसमें नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी, लहसुन ऐड कर दूँगी। रफली कटिंग में प्याज ऐड कर देंगे, टमाटो प्यूरी भी इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। ऐसे मिक्स कर दिया है, अब इसको कवर करके 20 मिनट के लिए विसल चलाएंगे प्रेशर की। 20 मिनट के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से 20 मिनट हो गए हैं विसल को चलते हुए। 20 मिनट के बाद प्रेशर को खोला है, माशाल्लाह। अच्छे से इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे, मटन चेक करेंगे कि कितना गल चुका हुआ है। माशाल्लाह से मटन देख सकते हैं अच्छे से सॉफ्ट हो चुका हुआ है। अब जो थोड़ा सा इसमें पानी है इसको ड्राई करेंगे। मटन माशाल्लाह से अच्छे से कुक हो रहा है। इस पॉइंट पे इसमें 1/2 कप ऑयल ऐड कर दूंगी। पहले ऑयल मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, वो क्योंकि सीने का मटन यूज़ किया है तो वो उसमें थोड़ी सी चिकनाई होती है, तो ये उसी का ऑयल था। साथ इसमें सेपरेट से मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया। अब इसमें ज़ीरा और सूखा धनिया जो पीसा हुआ ये ऐड कर देंगे, साथ ही अदरक को ग्रेट कर लिया ये ऐड कर दूँगी, हरी मिर्चों का जो पेस्ट है ये ऐड कर देंगे और अच्छे से मटन की 5 मिनट भुनाई करेंगे इन सब चीज़ों के साथ। 5 मिनट मसालों के साथ अच्छे से भून लिया है। अब इसमें दही ऐड कर दूंगी, दही के साथ 5 मिनट मटन की अच्छे से भुनाई करेंगे। दही आप लाजमी डालिएगा, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है दाल गोश्त का। माशाल्लाह से मटन की ज़बरदस्त किस्म की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर इसमें दाल ऐड कर दूँगी, बिस्मिल्लाह, और साथ इसमें 1 ग्लास के करीब पानी ऐड किया। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट के लिए जस्ट विसल को चलाएंगे कि दाल अच्छे से गल जाए। 5 मिनट के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट के लिए विसल चलाई थी और ज़बरदस्त किस्म की दाल गोश्त हमारा अच्छे से रेडी हो चुका होगा। दाल भी माशाल्लाह से A1 सॉफ्ट हो चुकी है। इस पॉइंट पर इसमें गर्म मसाला ऐड कर दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धनिया इस पॉइंट पे नहीं डालूंगी, जिस तरह से सर्व करना होगा तब तब इसमें डालूंगी हरा धनिया। डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त और टेस्टफुल दाल गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है। बहुत टेस्टफुल ये दाल गोश्त बनता है। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी थी। इंशाल्लाह बहुत जल्द और भी मज़े की नई नई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। लुक वाइज भी दाल गोश्त बहुत मज़े का लग रहा है। जब गोश्त की बुनाई की थी उस पॉइंट पे थोड़ी सी तरीको सेपरेट कर लिया था ताकि डिश आउट ज़बरदस्त और टेस्टफुल लगे। आप अकाइट पे मटन जो होता है उसमें आप बनाएं, इसको आप मटन में भी बना सकते हैं इसी रेसिपी से, चिकन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी आप इज़िली इस दाल गोश्त को बना सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द और भी मज़े की नई नई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, मम्मी फूड सीक्रेट्स को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।